हे गाइज यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइज यार, मैं हूँ डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ट्रेडिंग सेशन अपना करेंगे, ठीक है, एंड ट्राई करेंगे कि लेवल टू लेवल ट्रेड करें प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ। एंड मैं आपको हो सकता है कुछ शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न भी मैं कवर अप कर सकता हूँ, ठीक है। बट चलो देख लेते हैं क्या करंट टाइम में। मैंने यहाँ पे 500 की ट्रेड ली है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ओवरऑल मार्केट का जो टारगेट है वो नीचे है, बिकॉज नीचे यहाँ पर आप गौर करके देख सकते हो एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना हुआ है इस जगह से, जहाँ से प्रॉपरली मार्केट क्या हुआ था, ऊपर साइड की रैली इसने दिखाई थी, ठीक है। और अब गौर करोगे तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, ठीक है ना। और मार्केट ने यहीं से ऊपर अप साइड की रैली दिखाई थी, साथ ही साथ एक और यहाँ पे लेवल था हमारा जिसका प्रॉपरली यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा था। एक हमें यहाँ पे कैंडल जो दिखी थी ना, कौन सी कैंडल, देखो दो यहाँ पे हमें इन्वर्स कैंडल दिखी थी हमें ट्रैप करने के लिए, कि मार्केट यहाँ से देखो दो हमें इस टाइप की इन्वर्स मतलब रिवर्सल कैंडल दिखी थी कि मार्केट ऊपर जा सकता है। बट उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली, बिकॉज मुझे मार्केट का टारगेट आइडेंटिफाई है कि मार्केट उस लेवल तक जा सकता है। अगर उस बीच में कोई भी रिवर्सल कैंडल आते हैं तो वो कंटिन्यूएशन का काम करते हैं। आप भी ये नॉलेज गेन करके रख लो, मार्केट अगर लेवल के पास, जो टारगेट वाला लेवल, जैसे ये टारगेट वाला लेवल है, यहाँ पर अगर कोई हैमर बनता है, इन्वर्स हैमर बनता है, शूटिंग स्टार बनता है, हैंगिंग मैन बनता है, तो यहाँ से इस पॉइंट से मार्केट क्या कर सकती है, रिवर्स कर सकती है, और मार्केट इस पॉइंट पे होती है तो। लेकिन मिड ऑफ द लेवल कोई अगर रिवर्सल कैंडल हमें देखने को मिलता है तो वो एक कंटिन्यूएशन का काम करती है, ना कि रिवर्सल का काम करती है, ठीक है। तो काफ़ी सही था यहाँ पे। और दूसरा रीजन क्या था कि मार्केट में एक सेलर का इम्पल्स बना हुआ है, गौर करके देखो यहाँ पे सेलर का एक इम्पल्स बना हुआ था कुछ इस हिसाब से, ठीक है। मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करा था, फिर सेलर से स्ट्रांग हुए थे और कंटिन्यू फॉल कर रहे थे, तो मैं फ्लो के साथ बह गया। अगर इसके अगेंस्ट में जाते तो दिक्कत हो जाती, बट कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे ट्रेड विन हो चुका है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब नेक्स्ट ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ पे मैं एक अपवर्ड की ट्रेड लगा रहा हूँ, बिकॉज मार्केट अभी और भी ऊपर जाएगा, ठीक है। कहानी समझो, मार्केट का जो फंडा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सीन है कि अगर हम यहाँ पे एक लेवल डालते हैं, ये एक कौन सा पैटर्न है, ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। मार्केट ने किस टाइप की रैली दिखाई है, जंप अप और लेवल का ब्रेकआउट, जो ये हाई था यहाँ का, इसका ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर जब ये दोबारा ऊपर जा रहा है तो ये इस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का रैली कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा वेन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, ये कैंडल स्ट्रांग बनेगी और इस लेवल का ब्रेकआउट करेगी। बट किसी रीजन से अगर लॉस हो जाता है तो फिर भी हमारा टारगेट अप साइड की ही ट्रेड का रहेगा, लेकिन ये जो रिजेक्शन ले रही है वो बहुत ही एक अच्छे खासे लेवल से आई थिंक सो ली है, ठीक है ठीक है ठीक है। बट हम यहाँ पर डबल अमाउंट से तीन ट्रेड में ओपन कर रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन का, ठीक है। ट्रेड लेने का रीज़न बहुत ही सिंपल है, बिकॉज बैक ऑफ द मार्केट में देखेंगे जो टॉप का लेवल है ना, उसका टारगेट यहाँ का है। कहाँ का टारगेट है, तो उसका टारगेट यहाँ का है, और की लेवल इसका कुछ इसके आसपास का है, यहाँ का, ठीक है। तो मार्केट वहाँ तक की रैली दिखाएगी और ये कैंडल हमारा विन होगा, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, देख लेते क्या होता है। बिकॉज ओवरऑल मार्केट को इस लेवल का ब्रेकआउट देना है, किस लेवल का, इस इवनिंग स्टार के पैटर्न का ब्रेकआउट देना है, तो हमें मार्केट का टारगेट आइडेंटिफाई है, तो मार्केट के टारगेट के हिसाब से चलेंगे। और बायर्स भी स्ट्रांग है, सब फेक सेलर को ओवरकम करके ऊपर जा रहे हैं, बट करेंट टाइम में मार्केट फॉल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमारा ट्रेड फेल हो जाता है तो हम एक बड़ा रिस्क लेंगे, बिकॉज 1500 का लॉस है, तो हम बस तीन स्टेप मार्टिंगल से ऊपर नहीं जाते हैं कभी भी, ठीक है। तो मुझे पता, अगर यहाँ बैक टू बैक दो कैंडल आ गए हैं एक रिवर्सल कैंडल के बाद, तो थर्ड कैंडल क्या होगा, नीचे साइड की रैली करेगा, तो मार्केट आपका टारगेट जो है, अब मार्केट इस टारगेट तक नहीं जाएगा, मार्केट अब अपने नीचे वाले लेवल्स का ब्रेकआउट करेगा। कहाँ वाले लेवल्स का, तो यहाँ वाले लेवल्स का ब्रेकआउट करेगा, देखो नीचे साइड जो लेवल्स है ना, ये वाले, इन सब का ब्रेकआउट करने का भी ये मार्केट ट्राई करेगा, ठीक है। देखो मार्केट का टारगेट सिंपल है, अगर दो हमें पता है कि ये लेवल ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पर उसने अपनी रैली भी दिखा दी है, लेकिन वो अगर मतलब देखो लॉसेस तो सबके होते हैं ना, जैसे इसका ये की लेवल यहाँ है, टारगेट यहाँ है, मार्केट को कहाँ तक जाना है, मार्केट को यहाँ तक जाना है। अब क्या हुआ, मार्केट में कैंडल जो आई वो कुछ इस हिसाब से आई, और इसका टारगेट क्या था, इसको ब्रेक करके ऊपर जाने का, लेकिन ये ऊपर नहीं गई, नीचे आ गई, तो हमने इसको एरर समझा और हमने वन स्टेप मार्टिंगल में अप की ट्रेड लगा दी, बिकॉज हमें पता था ये ऊपर ही जाएगा, बिकॉज टारगेट ऊपर था, लेकिन मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं, लॉस हो गया। तो दो कैंडल अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं और स्ट्रांग बॉडी के साथ आ रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट का डिसीजन चेंज हो चुका है, अब वो नीचे साइड की रैली दिखा देगा। ये नहीं कि इसके बदले में हम अप की ट्रेड लगाते रहेंगे, ये गलती हमें नहीं करना है, ठीक है। तो लॉसेस सबके होते हैं, आपको कवर अप करना आना चाहिए, ठीक है।
तो चलो ठीक है, हम तीन स्टेप मार्टिंगल से ऊपर नहीं जाएंगे, कहीं हम और भी देखते हैं, कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। चलो देख लेते हैं गाइस, कहीं पे अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल जाती है तो ठीक रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, करंट में मार्केट का एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, ठीक है, करेक्शन वेव चला हुआ है मार्केट में। यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का पैटर्न है, इवनिंग स्टार का हाई यहाँ, उसके बदले भी कैंडल ने हाई लगा कर आया था जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ये वाला, ठीक है। और कैंडल ने नीचे भी एक मॉर्निंग स्टार बनाया है जो कि एक रिट्रेसमेंट थी ये, और इसके बाद इसको अपसाइड की रैली दिखानी है। अगर इसके बॉडी लेवल से ऊपर क्लोज होती है तो आप डायरेक्शन में मैं जा सकता हूँ, बट यहाँ से इसको रिजेक्शन महसूस हो रहा है और मार्केट नीचे से देखो बार बार से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डाउन की ट्रेड लगाऊंगा, बिकॉज मार्केट ने क्या करा है, इस जगह से इसको बहुत ही तगड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। कैंडल में क्या हुआ है, कैंडल का जो ये लेवल है ना ये वाला, ठीक है, इस जगह से मार्केट में बहुत तगड़ा अचानक से सेलिंग प्रेशर आया। तो एक गलती हो गई है कि मार्केट जब इस जगह पर जाता तब तो हमें सेल करना था, लेकिन मार्केट ऑलरेडी इसी लेवल पर आई है और उसने ये ऊपर नहीं गया और मैंने डायरेक्ट सेल कर दिया। तो हो सकता है कि लास्ट में ये रिजेक्शन खा करके ऊपर भाग जाए और यहाँ तक पहुँच जाए, उसके बाद सेलर की एंट्री हो। बट जो कैंडल का रिजेक्शन है और रिएक्शन है उसके हिसाब से एक रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको बाइनरी में सक्सेस करना है तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखनी ही पड़ेगी। तो आप चाहो तो मेरा कोर्स परचेज करके ट्रेडिंग सीख सकते हो, विदाउट सीखे आप प्रॉफिट इसमें नहीं बना पाओगे। और आपको अपनी साइकोलॉजी भी मास्टर करनी होती है, ठीक है। तो जिनको भी प्रॉपरली ट्रेडिंग सीखनी है वो चाहे तो मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। तो जाकर के डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, डिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर वाले लिंक पे जाओ, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहाँ पर आकर के आप मुझसे कोर्स के रिगार्डिंग मैसेज कर सकते हो कि ब्रदर मुझे आपका कोर्स परचेज करना है। तो मैं वहाँ पर आपको प्रॉपरली टीच करके बता दूंगा, गाइड करके बता दूंगा कैसे आप मुझसे मेरा कोर्स ले सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में था इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल।